खबर भरतपुर से है, जहां धोखाधड़ी के मामले में एक महिला सहित दो बेटियों और साथी दामाद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में उन्हें 27 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद निवासी 55 वर्षीय विजय पाल सिंह की पहली शादी संतोष के साथ हुई थी। इनके दो बेटियां भी हैं। बेटे की चाहत में विजय पाल ने दूसरी शादी रचा ली, लेकिन शादी के 6 साल बाद ही विजय पाल की मौत हो गई। इसके बाद पहली पत्नी और दो बेटियों और साथी दामाद ने साजिश के तहत विजय पाल का मकान हड़प लिया। इसके बाद विजय पाल की दूसरी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और इस पूरे मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। लड़का भी नहीं है तो यहाँ की 18 वर्षीय राजकुमारी के साथ उसने शादी कर ली और उसको भरतपुर में उसको मकान बनवा करके भरतपुर में उसको रख दिया। कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद करीब उसमें उसके राजकुमारी के दो जुड़वां लड़के पैदा हुए। जुड़वां लड़के पैदा हुए तो उसकी जो पहली पत्नी थी वो और उसकी लड़कियाँ और उसके दामाद वगैरह वो सारे आए, तब इसको ये पता चली कि उसकी पत्नी जीवित है। उसके बाद में फिर इसी बीच में उसको कैंसर हो गया 2-3 साल बाद और उसकी 2017 में उसकी डेथ हो गई। अब वो इसकी पहली पत्नी और उसकी दोनों लड़कियां हैं, उन्होंने दामाद ने मिलकर के एक झूठा एफिडेविट बना करके कि इसके इसका इस मकान जो है इसके हम ही उत्तराधिकारी हैं और